Hi guys, this is my first vlog. In this vlog, I want to show you my set. Basically, I'm a struggling actor. So, मैं हाँ आपको बताने वाली हूँ कि हमारा सेट कैसा होता है, सेट पर क्या होता है, किस तरह से शूटिंग होती है. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी सुबह के 4:20 हो रहे होंगे एंड मैं स्टेशन पर खड़ी हूँ, वो तो आपको पता ही है. अभी हम ट्रेन का वेट कर रहे हैं. गाइस देखिए, अभी यहाँ पे 4:30 बजे कितनी ज़्यादा लोननेस है. यहाँ स्टेशन पे दूर दूर तक हमें कोई नहीं नज़र आ रहा है. मीन्स ऐसा नहीं है कि कोई नहीं है, बहुत दूर दूर तक 2-4 लोग है ही. और आप देख सकते हैं अभी शायद ट्रेन आ गई है, तो हमारी ट्रेन आ रही है. चलिए जल्दी जल्दी चढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या होने वाला है. गाइस मैं ट्रेन में बैठ चुकी हूँ और आप देखेंगे तो इस डब्बे में, पूरे डब्बे में इवन जेंट्स डिपार्टमेंट में एंड लेडीज डिपार्टमेंट में कोई भी नहीं है सिवाय मेरे. ग्रांट रोड उतर चुके हैं. ग्रांट रोड ईस्ट में हमारा लोकेशन 10 मिनट की दूरी पे है, तो हम बाय वॉक जा रहे हैं. हेलो एवरीवन, सॉरी ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग था और मैं इसे कंप्लीट नहीं कर पाई, बट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं इस ब्लॉग को कंप्लीट क्यों नहीं की, इसके पीछे रीज़न क्या था. तो अराउंड 5:30 मैं ग्रांट रोड स्टेशन पहुँची. मुझे सेट पर जाना था, मुझे लोकेशन नहीं पता था. मैं फ्रेंड ने मुझे लोकेशन शेयर किया, GPS के थ्रू मैं लोकेशन पर जा रही थी. और तभी मैं एक जगह पहुंचती हूँ, उसका नाम था रेड लाइट एरिया. मुझे नहीं पता कि मैं वहाँ कब पहुंची, कैसे पहुंची, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया. मैं तो बस सेट पर जा रही थी और ज़्यादा ज़्यादा मैंने बीच में कुछ चीज़ें नोटिस की थी जो मुझे वियर्ड लगी थी, बट मैंने कहा इट्स ओके, कभी कभी होता होगा. एंड अराउंड 5:30 तो इस तरह लेडीज़ का बीच में दिखना एंड उनके ड्रेसिंग्स, उन सब से थोड़ा अटपटा लगा, पर मैंने इग्नोर किया. तो मैं आगे कंटिन्यू गई, चलते चलते मैं एक जगह पे आके रुक गई जहाँ मेरा लोकेशन एग्जैक्टली रुक गया. और मेरे आसपास काफ़ी सारी लेडीज़ हैं, काफ़ी सारे जेंट्स हैं, काफ़ी सारे यंग लड़के हैं, मतलब अराउंड 30-40 पीपल्स होंगे. तो वो सारे इवन गर्ल्स बॉयज लेडीज हर कोई मुझे एक अलग ही नज़र से देख रहा था. मुझे नहीं पता ऐसा क्यों, और आई थिंक मेरी कोई ड्रेसिंग ख़राब नहीं थी. मैंने सलवार कमीज पहना था विथ रेड दुपट्टा, आई थिंक मैंने वीडियो में दिखाया होगा. तो मेरी ड्रेसिंग कुछ ख़राब नहीं थी. मैं खड़ी हुई, मैंने नोटिस किया लोगों को कि ये क्या है, ये एग्जैक्टली मुझे समझ में नहीं आया पहले कि मैं यहाँ पे, मतलब ये कौन सी जगह है, यहाँ के लोग क्या हैं, मुझे नहीं पता. मुझे लगा नॉर्मल पीपल्स होंगे जो आसपास रहते होंगे, बट
हर कोई मुझे एक अलग ही नज़र से देख रहा था। मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो गई, मुझे बहुत घबराहट हो रही थी और वहीं पे मेरा ब्लॉग स्टॉप हो गया। आई थिंक मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं सीरियसली बहुत डर गई थी। और फिर मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया एंड उसे कहा कि वो आ जाए मुझे वहाँ से रिसीव करने के लिए, लेकिन वो कहता है कि नहीं तुम आ जाओ, मैं यहीं पर हूँ पास में, वो गली बस तुम्हें क्रॉस करनी है। और मुझे वही गली क्रॉस करने के लिए घबराहट हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे जाऊँगी। ये उनकी नज़रें जैसी जिस तरह से मुझे देख रही थी, मुझे बहुत गंदा सा लग रहा था, मैं आगे नहीं जाना चाहती थी। तो वहाँ पे एक लेडी ने मुझे नोटिस किया एंड शी आस्क्ड मी कि बेटा तुम्हें कहाँ जाना है। तो मैंने उन्हें कहा कि मैम मुझे सेट पर जाना था, वहाँ हमारी शूटिंग हो रही है तो मुझे वहीं जाना था। मैंने इस तरह इनको घबराते हुए बोला कि बहुत सीरियसली, बहुत स्वीट थी, उन्होंने मुझसे अच्छे से बातें की और उन्होंने बोला कि बेटा ये एरिया सही नहीं है एंड तुम किसी के साथ आई हो या अकेले ही आई हो। मैं बोली नहीं मैं अकेले आई हूँ बट मेरे काफ़ी फ्रेंड्स शायद पहुँच गए हैं सेट पे। तो बोलते बेटा तुम किसी बॉयज़ को या किसी जेंट्स को बुला लो क्योंकि तुम्हारा अकेले जाना वहाँ सेफ नहीं है, तो तुम अकेले मत जाओ। मैं मेरे फ्रेंड को कॉल की और उससे बहुत रिक्वेस्ट किया कि वो आ जाए, प्लीज़ आ जाए, क्योंकि मुझे बहुत नर्वसनेस हो रही थी वहाँ जाने की, मैं किस तरह से जाऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने बोला एंड वो आंटी ने भी उन्हें बोला, काफ़ी समझाया कि बेटा ये एरिया सेफ नहीं है, तुम आ जाओ इसे लेने के लिए। तो फाइनली वो आया एंड वो मुझे वहाँ से लेकर गया। बस यही एक रीज़न था जिसकी वजह से मैं काफ़ी डर गई थी, काफ़ी अपसेट हो गई थी। मुझे नहीं समझ में आया कि वो मुझे ऐसे क्यों देख रहे थे। ना मेरी कोई ड्रेसिंग ख़राब थी ना कुछ, लेकिन आई अंडरस्टैंड कि वो एरिया वैसा था, ठीक है, बट वो एरिया वहाँ था ना, उस एरिया की तो मैं नहीं थी, तो लोग मुझे क्यों उस नज़र से देख रहे थे। मैं आपको बता नहीं पा रही हूँ कि, लेकिन मैं सीरियसली बहुत डर गई, इवन मैं अभी भी बहुत डरी हुई हूँ एंड एक्चुअली उनकी नज़रें मुझे काफ़ी डरा रही है और अंदर से मैं अभी भी बहुत ज़्यादा डर रही हूँ। तो बस यही एक रीज़न था जिसकी वजह से मैं ब्लॉग आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई। और उसके बाद सेट पे हम पहुँचे, वहाँ हमने नाश्ता किया और आफ्टरनली वहाँ पे कुछ BMC वगैरह आ गई थी तो शूट का प्रॉब्लम हो गया था, तो शूट कैंसिल हो गई। एंड शूट कैंसिल होने के बाद मैं इतनी घबराई हुई थी, मैं बस चुपचाप घर आ गई। और घर आने के बाद मैं सोकर जस्ट अभी उठी हूँ और मुझे ऐसा लगा कि आप लोग के साथ ये शेयर करना चाहिए। देखिए मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं इस रेड लाइट एरिया को गलत नहीं बोल रही, ये ठीक है, एक नीड भी है और एक तरह से ये ख़राब भी है, लेकिन हम किसी को ऐसे जज नहीं कर सकते। हो सकता है मे बी उनके पीछे कोई उनकी स्टोरी हो, तो मैं यहाँ किसी को जज नहीं कर रही और ना ही किसी चीज़ को गलत या सही बताना चाह रही हूँ, लेकिन बस मेरा ये था कि उन्होंने मुझे ऐसे क्यों देखा। और जाते जाते बस एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि मेरी तरह अगर आप उस सिचुएशन में होती तो क्या करती, बिकॉज आई एम सो नर्वस एंड दैट टाइम मुझे कुछ भी क्लिक नहीं हुआ कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। सो फॉर द नेक्स्ट टाइम आई वॉन्ट टू बी प्रिपेयर्ड। सो अपने सजेशन मेरे साथ शेयर करिए एंड होपफुली नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट ब्लॉग जल्दी आएगा। थैंक यू।